प्रतीक्षा खुद लड़ेगी अपने इंसाफ के लिए। प्रतीक्षा के चाचा को लगी गोली। जी हाँ, एक तरफ जहाँ रवि काफी इमोशनल हो रहा है और खुद को काफी अकेला महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक्षा भी बेसहारा होकर जेल में बंद है, जहाँ उसके लिए जेल में एक एक दिन बिताना भी काफी मुश्किल सा हो रहा है। वैसे ऐसे में प्रतीक्षा को जेल से निकालने के लिए उसके चाचा लगातार सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं कीर्ति को मारने वाले गुंडे की मुलाकात होती है मल्हार से, और वे गुंडे मल्हार को ये कहते हुए नजर आते हैं कि यदि तुम्हें बचना है तो कैसे भी करके प्रतीक्षा को जेल में रहना ही होगा, और अगर प्रतीक्षा का चाचा बीच में आता है तो उसे खत्म कर दो। पहले ऐसे में इस बात को मल्हार भी मान लेता है और गुंडों के साथ डील कर लेता है। और जब प्रतीक्षा का चाचा सड़क पर अकेला होता है तो कुछ गुंडे आकर उन्हें गोली मार देते हैं। पहले ऐसे में गोली लगने के बाद उनकी मदद के लिए कोई तो आया नहीं, और इसे देख कर अब ऐसा ही लगता है कि प्रतीक्षा को खुद के लिए खुद से ही लड़ना पड़ेगा। पहले ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या प्रतीक्षा जेल से निकल पाएगी या फिर हमेशा के लिए जेल में ही रहेगी बंद? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।